माहौल है अभी और क्या धारा 144 लगाई जाए? नहीं, अभी आप देखोगे पूरी तरह शहर में शांति बनी हुई है, और क्योंकि कल जो सभी जो पक्षों से बात हुई तो उनसे यही प्रशासन की तरफ से ये आग्रह किया गया था कि जो भी बात हो आपस में बैठ के सहमति बन के समझाइश करके समस्या का समाधान किया जाए। कोई भी पक्ष, दोनों पक्ष इस बात के लिए तो सहमत थे कि कानून व्यवस्था को हाथ में लेके हम कोई भी काम नहीं करेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि दोनों पक्ष एक जिम्मेदार नागरिक हैं, जिम्मेदार पदों पर हैं सभी लोग, और उसके अतिरिक्त जो प्रशासन और पुलिस को व्यवस्था करनी है व्यवस्था कर रखी है। सामाजिक रूप से भी उनसे बातचीत की जा रही है, हमारे यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी दोनों पक्षों से बातचीत किए हुए हैं, और इसके साथ में कानूनी रूप से जो भी कार्रवाई की जानी है, कल जो छोटी मोटी घटनाएं हुई हैं उन घटनाओं पे कानून जो अपनी सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा, और कोई भी व्यक्ति अगर कानून अपने हाथ में लेने की क्योंकि कोशिश करेगा तो उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। धोनी को जो है वो सरकारी रिसीवरी में लिया गया है। रिसीवरी में लेने का मकसद ये होता है कि अगर कोई ऐसी जगह हो जहाँ विवाद हो, जहाँ पे कानून व्यवस्था बिगड़ सकती हो, किसी जान माल की हानि हो सकती है, तो उसको CRPC के तहत रिसीविंग में लिया जाता है, तो उसको रिसीविंग में लेने की जो आदेश जारी हो गया और आगे की कार्रवाई चल रही है। बिल्कुल निश्चित रूप से दोनों पक्षों के द्वारा FIR दर्ज करवाई गई है, और उसके बाद होने के बाद जांच करने के बाद हमारे पास अभी वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, CCTV कैमरा उपलब्ध हैं, उनको देखने के बाद जो व्यक्ति भी पथराव में शामिल थे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सर, यहाँ दर्शन होने के बाद में एकलिंग जी दर्शन करेंगे तो क्या वहाँ पे किस तरह की कानून व्यवस्था है? अभी तो हमारे पास इस बारे में भी कोई जानकारी नहीं है, और यहाँ के दर्शन की भी अभी कोई जानकारी नहीं है। हम तो भी निश्चित सभी अधिकारियों के साथ बैठ के आज किस प्रकार की रणनीति रहेगी, और आज देखोगे कि यहाँ पे गेट बंद है, तो ये इस तरह की जानकारी अभी मेरे पास नहीं है। क्या अपील करेंगे सर जनता? मैं जनता से ये अपील करूँगा कि कानून हाथ में लेना किसी समस्या का समाधान नहीं है। हम लोग बैठे हुए हैं, बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान बैठ के निकल सकता है, तो आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखें और सोशल मीडिया की अफवाहों पर ध्यान नहीं दें।